मनुष्य के जीवन में छोटी बड़ी घटनाएं होते रहती हैं जो उसको अलग अलग माध्यमों से प्रभावित करती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका प्रभाव बहुत ही संक्षेप में देखा जा सकता है, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका प्रभाव बहुत ही विस्तृत रूप से देखा जा सकता है, और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका प्रभाव इंस्टेंट, वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन से तुरंत उसी वक्त से आपको दिखने लगेगा, और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका प्रभाव 10 साल, 15 साल बाद दिखता है। उदाहरण के तौर पर बच्चों को लेकर अगर सरकार की कोई नई नीति, कोई नया नियम आ जाए तो उसका प्रभाव अगले दिन से ही बच्चे को अपने घर में उसके जीवन पर नहीं दिखाई देगा, वो उसके लाइफ में 10 साल, 15 साल बाद पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने जो वो नियम बनाया था उसके लाइफ को किस तरह से प्रभावित कर रही है। तो वही जो प्रभाव है ना, कि जैसे मान लीजिए कोई चीज है जो बच्चे के लाइफ को तुरंत इमिडिएटली इफेक्ट कर रही है, तो मान लीजिए वो लेवल 1 है, उसी तरह लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, जो वो अलग अलग प्रभाव है कि कोई प्रभाव, कोई ऐसी चीज जो बच्चे के जीवन पर तुरंत बदलाव ला रही है, कोई ऐसी चीज जो बच्चे के जीवन में बहुत ही दूरगामी, बहुत ही दूर से जो है उसका बदलाव देखने को मिलेगा, तो उन्हीं बातों को अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग लेवल्स में डिवाइड कर दिया है ब्रॉनफेनब्रिनर ने, और अपनी एक बायो इकोलॉजिकल थ्योरी दी है जिसमें वो समझा रहे हैं कि बच्चे के जीवन में अगल बगल ऐसी क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं जो उसके लाइफ में उसको प्रभावित कर रही हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख लीजिए इस वर्ड का मतलब। बायो इकोलॉजिकल में ये जो वर्ड इकोलॉजिकल लिखा है इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजें आती हैं। कहने का मतलब है कि बच्चे के जीवन पर कोई जीवित चीज भी प्रभावित डालती है और कोई निर्जीव चीज भी प्रभावित करता है बच्चे को, जीवन को। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि गवर्नमेंट की कोई नया रूल आ जाए बच्चों को लेके, तो वो एक निर्जीव चीज है जो बच्चे के जीवन पर प्रभाव डाल रहा है, दूर से बहुत ही दूरगामी प्रभाव ला रहा है। तो इसी बायो इकोलॉजिकल मॉडल को हम देखेंगे और समझेंगे। तो देखिए यहाँ बच्चा सबसे बीच में है, तो कोई भी ऐसी चीज जो बच्चे के जीवन पर तुरंत प्रभाव डाल रही है, वो हो सकते हैं बच्चे के माता पिता, बच्चे के दोस्त, बच्चे के ताऊ, बच्चे के भैया, बच्चे के अगल बगल जुड़ी हुई हर चीज। इसीलिए यहाँ शब्द का नाम है माइक्रो सिस्टम, इमिडिएट एनवायरमेंट, बच्चा जो है तुरंत उससे प्रभावित होगा। उसके बाद उसी तरह दूसरा लेवल है मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम। ये अलग अलग लेवल है जो बच्चे को जो है उसके लाइफ टाइम तक उसके ऊपर प्रभाव डालते रहेंगे। उन्हीं बातों को हम डिटेल में समझेंगे और देखेंगे। अब आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। एक नज़र हम डेली बाइट्स को क्यों सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर यूनिवर्सिटी एडमिशन अपडेट्स, गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, एग्नू लेक्चर्स, हिस्ट्री लेक्चर्स, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड सभी लेक्चर्स, बुक रिव्यूज, न्यूज एंड अपडेट्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं। टीचर एजुकेशन से रिलेटेड और लेक्चर्स देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और टीचर एजुकेशन वाला प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रो सिस्टम। तो फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ इट इज क्लियर कि माइक्रो कोई ऐसी चीज, छोटी चीज जो बच्चे के इमीडिएट इन्वायरमेंट हो, इमीडिएट बगल में उसके पेरेंट्स, बच्चे के दोस्त, बच्चे के रिलीजियस बिलीव्स, क्योंकि मान लीजिए पेरेंट्स किसी रिलीजन को मानते हैं तो उसका प्रभाव बच्चा भी, बच्चे की अपब्रिंगिंग भी जाने अनजाने में वैसे ही होने लगेगी। तो बच्चे के पड़ोसी जिनके साथ बच्चा रह रहा है, तो वो तमाम चीजें जो बच्चे के लाइफ पे तुरंत प्रभावित करती हैं वो माइक्रो सिस्टम में आती हैं। फिर अगला है मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम एक ऐसी चीज है जिसका प्रभाव डायरेक्ट नहीं होता आपके लाइफ में, मतलब प्रभाव है लेकिन किसी एक माध्यम से, कोई चीज बीच में, कोई एक ऐसी चीज है जो ब्रिज का काम कर रही है, तब वो आपके लाइफ में वो बदलाव आ रहा है। उदाहरण के तौर पर स्कूल, स्कूल आपके लाइफ को डायरेक्ट नहीं प्रभावित करता। आपके पेरेंट्स आपको स्कूल भेजते हैं, आप स्कूल से जाते हैं, कुछ सीख के आते हैं अपने घर पर, तब वो आपके चीज पर, आपके लाइफ पर वो चीज बदलाव लाती है। अब यहाँ देखिए एक मॉम है, इसकी मॉम क्या कर रही है, बच्चे को रो कर रही है इसे दोस्ती नहीं करने के लिए, और यहाँ इसकी मॉम है इस खुश है कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है इससे दोस्ती कर लो। तो कहने का मतलब है कि बच्चा खुद से किससे दोस्ती करता ये बच्चे के ऊपर है, लेकिन सिंस उसकी मॉम उसको गाइड कर रही है कि दोस्ती किससे करना चाहिए, तो उसकी मॉम बीच में एज अ ब्रिज का काम कर रही है, तो एक इंटरकनेक्शन का काम कर रही है। तो कोई भी ऐसा सिस्टम जो बच्चे को एक इंटरकनेक्शन के माध्यम से प्रभावित करे वो मीजो सिस्टम में आता है। उसी तरह है एक्जो सिस्टम। एक्जो सिस्टम ये है कि इसका प्रभाव दिखेगा, तुरंत भी दिखेगा, लेकिन बच्चे से डायरेक्टली जुड़ा नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए बच्चे के मॉम एंड डैड वो बाहर कहीं जॉब करते हैं, उनकी प्रमोशन हो जाए ऑफिस में, तो अगर प्रमोशन हो गया, मान लीजिए सैलरी बढ़ गई, तो सैलरी बढ़ने से क्या होगा कि जो भी चीज़ वो बच्चे के ऊपर पहले खर्चा करते थे, अब वो ज़्यादा खर्चा करेंगे, बच्चे को खिलाने देते हैं, बच्चे का जो है
भरण पोषण पालन जो कुछ भी होता था बच्चे के लाइफ में, वो उनके इनकम से तुरंत दिखेगा। जैसे कि एक गरीब बच्चे और एक रईस बच्चे के लाइफ में डिफरेंस होता है, तो पेरेंट्स की इनकम बढ़ेगी तो बच्चे के लाइफ में तुरंत इसका डिफरेंस दिखेगा। अब मान लीजिए बच्चा अभी पढ़ाई शुरू ही किया था, तब तक क्या हो, स्कूल बोर्ड कोई नया नियम ला दे, कह दे कि नहीं, अब से क्या होगा, क्लास 10th में जो बोर्ड एग्जाम में 5 सब्जेक्ट होते थे, अब सिर्फ 2 सब्जेक्ट रहेंगे। तो कहने का मतलब है, वहां से जब बोर्ड ने नियम बदला तो वो चीज बच्चे के लाइफ को चेंज कर रहा है। मान लीजिए प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन क्या करे, बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ एक नया पॉलिसी ला दे प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए सरकार ने जब राइट टू एजुकेशन की पॉलिसी लाई, तो RTE से क्या हुआ, हर गरीब छोटे बच्चे का जीवन प्रभावित हुआ। जो बच्चा कभी भी स्कूल नहीं जा रहा था, उस बच्चे का स्कूल में फ्री में एडमिशन होने लगा, उसको मिड डे मील में फ्री में खाना मिलने लगा। तो इससे कहीं ना तो कहीं स्कूल्स में बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ गया, ज्यादा बच्चे स्कूल पहुंचने लगे। तो उस तरह के सभी प्रभाव आपको एग्जोसिस्टम में आते हैं। फिर आता है मैक्रो सिस्टम। देखिए, मैक्रो सिस्टम एक ऐसा चीज है जहां कल्चर, संस्कृति, समाज, इन सब चीजों का बदलाव आप अपने जीवन में देखेंगे। अब जैसे पॉलिटिकल सिस्टम, देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी की नीतियां बच्चे को अपने लाइफ में, जो दूर से वो पॉलिटिकल पार्टी की नीतियां उसके लाइफ में बदलाव लाएंगी, वो चीज मैक्रो सिस्टम में आएगा। जैसे कि मास मीडिया, टीवी पर जो डिबेट चल रहे हैं, बच्चा उस डिबेट को देखता है, तो वो बच्चे के मानसिकता को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। नेशनैलिटी, छोटे बच्चे को होता क्या है, स्कूल जाता है और राष्ट्रगान गाता है और कोई और एक्टिविटी करता है, तो वो ये समझता है कि उसका ही देश सबसे अच्छा है और उसका कंट्री बेस्ट है। तो क्या आपने कभी सोचा है, जो बच्चा दूसरे कंट्री में रह रहा है, वो भी तो अपने कंट्री के बारे में यही सोच रहा होगा कि मेरा कंट्री सबसे अच्छा है, मेरा कंट्री सबसे बेस्ट है। पाकिस्तान में पैदा हुए बच्चे के लिए पाकिस्तान सबसे अच्छा है, हिंदुस्तान में पैदा हुए बच्चे के लिए हिंदुस्तान सबसे अच्छा है। तो कहने का मतलब नेशनैलिटी, राष्ट्रवाद भी बच्चे को प्रभावित कर रही है। और फिर जब बच्चा समाज में जाता है, तो समाज तो उसको प्रभावित कर ही रहा है। तो ऐसे तमाम जो प्रभाव हैं वो मैक्रो सिस्टम में आता है। अब हम देखेंगे क्रोनो सिस्टम। फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट इज क्लियर, क्रोनो का मतलब ऐसा होता है कि कुछ चेंजेस जो टाइम के साथ आती हैं, समय के साथ बदलाव आता है, बहुत लंबा टाइम लेता है, 25-50 साल, एक जनरेशनल गैप आ जाता है। उदाहरण के तौर पर आपके लिए मोबाइल यूज करना बहुत ईजी है, लेकिन आपके पेरेंट्स के लिए मोबाइल यूज करना कठिन है। तमाम ऐसे सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स और तमाम ये चीजें जो आप पेरेंट्स को समझाइए तो हो सकता है समझ में ही ना आए। तो ये एक जनरेशनल गैप है। तो ये एक बदलाव ऐसा है जो क्रोनो सिस्टम के अंदर में आता है। अब मान लीजिए आप लोग के पेरेंट्स के समय, हम सबके पेरेंट्स के समय क्या होता था कि टीवी की वैक्सीन नहीं आती थी, मलेरिया का वैक्सीन नहीं आता था। अब क्या होता है, बच्चा पैदा होता है, हम उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उसको तरह तरह के वैक्सीन लगवा देते हैं। तो पुराने समय के लोगों को वो वैक्सीन नहीं लगे होते हैं। तो मान लीजिए हो सकता है आज के टाइम कोई मलेरिया हो जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे उस बीमार जिससे मतलब वो बीमार हो सकते हैं, और वहीं एक बच्चा नहीं होगा क्योंकि उसकी इम्यूनिटी अच्छी डेवलप हो गई है उस वैक्सीन के कारण से। अब जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस जैसी महामारी आई, तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं, अलग अलग ऐप्स लोग इंस्टॉल करने लगे हैं, उन ऐप्स पर लोग पढ़ने लगे हैं। तो एक तरह से जो है, फिर बाद में पता चला समय के साथ कि उस उन ऐप्स में निजता का खतरा है। तो ये बातें जो है, जो पुराने जनरेशनल बदलाव आया पुरानी पीढ़ी से नए पीढ़ी में शिक्षा पद्धति को लेकर कि अब वो ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो है क्रोनो सिस्टम में आती हैं। ओके गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आपको उसमें इस वीडियो लेक्चर का PDF मिल जाएगा और टीचर एजुकेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारे नोट्स मटेरियल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अपडेट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। ओके गाइस, दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड डू कमेंट योर व्यूज एंड हैव अ नाइस डे।